सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हमारे स्वतंत्रता दिवस की, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यहां पर दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है और ये वीडियो जो है ये भी बहुत ही खास है क्योंकि आज दोस्तों हमको बहुत ही कमाल अनाउंसमेंट सुनने को मिले हैं सीधा हमारे पीएम मोदी जी की तरफ से। और ऐसे में दोस्तों ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो बना आपके साथ में शेयर किया जाए। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप बस को अभी का अभी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोगों तक, तो दोस्तों वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, दोस्तों मैंने अक्सर आपसे बात की है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, मैंने दोस्तों आपसे अक्सर बात की है बेहतर कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहां पर दोस्तों आज जो हमने स्पीच सुना हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, तो उसमें हमको काफी कुछ एक नए अपडेट्स जानने को मिले हैं। जहां पर अगर दोस्तों बात करें कनेक्टिविटी की, तो यार देखो करंटली ना इंडिया में दोस्तों मतलब बड़े छोटे शहरों में या कस्बों तक तो काफी बेहतर तरीके से लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं से बात करता हूं छोटे गांवों की या फिर दूरदराज वाले इलाकों की, तो वहां पे अभी तक भी इंटरनेट जो है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाया है, मतलब या तो नहीं है और या फिर बहुत स्लो है। लेकिन अगर दोस्तों मैं से बात करता हूं करंट सिचुएशन की, जहां पे ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है या फिर दोस्तों इसके अलावा भी अगर हम बात करें, करंटली अभी 2020 चल रहा है, तो जैसे जैसे हम टाइम में आगे जाएंगे हमको दोस्तों चाहिए कि पूरा देश एक साथ जुड़ सके और सभी तरफ हम डिजिटली दोस्तों जो सेवाएं है वो भेज सके। तो इसको लेके एक नया अपडेट निकल के आया है, तो आप खुद ही सुनिए कि क्या है कहना हमारे प्राइम मिनिस्टर का। 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायत बाकी है वहां भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांव में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन में, 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा पिछले सप्ताह 5 दिन पहले अंडमान निकोबार में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। अब हम आगे लक्षद्वीप को भी इसी तरह जोड़ने के लिए काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। मतलब 6 लाख से दोस्तों ज्यादा जो गांव हैं इंडिया के, हर एक गांव में अगर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े स्केल पे होने वाला है। और ऐसे में दोस्तों ये प्रॉमिस किया गया है कि काम अगले 1000 दिनों में होगा, तो यार ये एक बहुत ही कमाल बात है। और साथ ही साथ 1000 दिनों में ही, जैसे दोस्तों फिलहाल अभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं सीधा फाइबर नेटवर्क से, और एयरटेल ने तो इनफैक्ट वहाँ पर 4G नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करना शुरू भी कर दिया है, तो यही चीज़ हम लक्षद्वीप आइलैंड्स में भी होते हुए देखेंगे, तो यार ये भी बहुत ही कमाल बात है। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मतलब मैं आपसे बहुत बार जो है वो जिक्र कर चुका हूं इन सब चीजों को लेके। इनफैक्ट दोस्तों इंडिया ने ही बहुत सारी ऐप्स को बैन किया था, चाइनीज दोस्तों बहुत सारी ऐप्स थी, उसके अलावा दोबारा लिस्ट बनाई जा रही है। और मतलब ये ना आज की डेट में एक बहुत खतरनाक चीज है जिसको आप ऐसे हल्के में ले नहीं सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों सुनिए कि इसके बारे में क्या है कहना मोदी जी का। बदलती हुई टेक्नोलॉजी में
साइबर स्पेस ये हमारी निर्भरता बढ़ती ही जाने वाली है, लेकिन साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हुए होते हैं, भली भांति दुनिया इससे परिचित है, और इसलिए भारत इसमें बहुत सचेत है, भारत बहुत सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। बहुत ही अल्प समय में नई साइबर सुरक्षा रणनीति, इसका एक पूरा खाका देश के सामने आएगा। आने वाले समय में सब इकाइयों को जोड़ करके हम इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबको एक साथ चलना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ने की रणनीति बनाएंगे। मतलब दोस्तों बहुत जल्दी एक नई मतलब हम सरकार जो है वो कदम लेती जा रही है, खैर समय समय में, लेकिन बहुत जल्दी एकदम एक नई साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो दोस्तों आने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उम्मीद यही करते हैं कि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होंगे, जो भी दोस्तों बात करते हैं फिर चाहे वो स्मार्टफोन ब्रांड्स हो, चाहे दोस्तों बात करें तरह तरह की ऐप्स वगैरह के बारे में, ये हम और ज़्यादा बेहतर और सिक्योर तरीके से यूज़ कर पाएँ। काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज आने भी चाहिए और इसी के चलते दोस्तों हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ, मतलब सिक्योरिटी जो है दोस्तों उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हम सभी लोग जो भी हम दोस्तों ऐप्स या सर्विसेज या जो भी चीज़ हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं उन सभी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यार ये दो अपडेट्स मुझे बहुत शानदार लगे, और मतलब ऐसे में सुन के लगता है कि हाँ, जो आने वाला टाइम है उसमें हम डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट्स होते हुए ज़रूर देखेंगे। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोड सालों सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।